हेलो दोस्तों, सलाम आदाब, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। जी हाँ दोस्तों, मैं लेके आता हूं आपके लिए ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए नए वीडियो, कुछ कंपैरिजन वीडियो और कुछ एसेसरीज वीडियो। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको ढेर सारे ऐसे कंटेंट मिलेंगे जिनकी आपको बहुत ज़रूरत है कार खरीदने से पहले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सपोर्ट आपका हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आ रहा हाजिर हूँ मैं मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर दो ऐसी CNG कार्स का कंपैरिजन वीडियो, जिसके अंदर अर्टिका CNG और XL6 CNG। जी हाँ दोस्तों, XL6 CNG के अंदर ये एक ही मॉडल अवेलेबल होता है, हालांकि अर्टिका के अंदर दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बट यहाँ हम कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों ही बेस मॉडल के साथ में। जी हाँ दोस्तों, ये XL6 का जेटा मॉडल है जो CNG ऑप्शन के साथ आता है, वहीं हम बात करेंगे अर्टिका के VXI CNG ऑप्शन के साथ में। तो दोस्तों, पूरा डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी कार आपके लिए बेहतर है और कौन सा ऑप्शन आपके फैमिली के लिए या आपके लिए सूट करता है। तो सबसे पहले दोस्तों, शुरुआत करते हैं इन दोनों कार की चाबी के साथ में। तो जो कार की चाबी है वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आती है। ये आपको अर्टिका की चाबी मिल जाती है दोस्तों, जिसके अंदर लॉक अनलॉक का फंक्शन आपको नजर आता है। आप देखेंगे तो गाड़ी को इजीली आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, बात करें XL6 की चाबी के साथ में, तो यहाँ पर ब्लैक फिनिशिंग के साथ आपको XL6 की चाबी नजर आती है, जिसपे भी आपको लॉक अनलॉक के फंक्शन मिल जाते हैं। तो दोनों की चाबी में थोड़ा सा फर्क आपको नजर आएगा, क्योंकि कार के फीचर में भी थोड़ा सा फर्क आपको मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, फ्रंट की अगर बात करें तो बल्कि नजर आती है एज कम्पेयर टू अर्टिका के मुकाबले XL6, क्योंकि बोनट डिजाइन को रखा गया है काफी स्टाइलिश और काफी बल्कि। वहीं यहाँ पर आपको मिल जाता है DRL LED के साथ में हेलोजन हेडलाइट का कॉम्बिनेशन, जो आपको LED कॉम्बिनेशन के साथ नजर आता है। ग्रिल की अगर बात करें तो काफी वाइल्ड ओपन ग्रिल आपको नजर आते हैं, जिसमें क्रोम का जो कॉस्मेटिक इस्तेमाल है वो काफी बेहतरीन तरीके से किया गया है। वहीं दोस्तों, फ्रंट में आपको एक्सटेंडर नजर आ जाता है, नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक्सटेंडर देखने के लिए मिल जाता है, कार की लुक को और बेहतर बनाता है फ्रंट प्रोफाइल से। वहीं यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन नजर आएगा इसकी फॉग लाइट हाउसिंग के साथ में, जो काफी डिसेंट सा और काफी बल्कि नजर आता है, फ्रंट की तरफ निकला हुआ थोड़ा आपको नजर आएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं यह है XL6 का फ्रंट प्रोफाइल। वहीं बात कर लेते हैं अर्टिका के फ्रंट प्रोफाइल के साथ में, तो अर्टिका का फ्रंट प्रोफाइल आपको थोड़ा सा सिंपल एंड शोवन नजर आता है। वहीं यहाँ पर एक खास बात आपको देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर आपको DRL का ऑप्शन तो नजर नहीं आता, बट प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलाइट आपको यहाँ नजर आती है। तो जो लाइट है वो काफी विजिबल नजर आती है एज कम्पेयर टू XL6 के मुकाबले। और वहीं ग्रिल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी क्रोम के जो कॉस्मेटिक है वो काफी बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि ये VXI मॉडल है तो यहाँ पर फॉग लाइट आपको नहीं अवेलेबल होती है, बट नीचे की तरफ फ्रंट में आपको एक्सटेंडर भी यहाँ पर मिस नजर आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फ्रंट में फ्रंट प्रोफाइल से अगर दोनों की कार की लुक आप देखेंगे तो दोनों कार की जो फ्रंट लुक है वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आती है एज कम्पेयर टू अर्टिका के मुकाबले XL6 ज्यादा बल्कि आपको दिखेगी। तो वहीं दोस्तों, बात करते हैं अब गाड़ी के रियर प्रोफाइल की। तो दोस्तों, देख सकते हैं यह है दोनों कार का रियर प्रोफाइल। दोनों कार के रियर प्रोफाइल से भी अर्टिका के मुकाबले XL6 ज्यादा बेहतर नजर आती है और काफी वाइल्ड नजर आती है। इसके अलावा ऊपर की तरफ सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर आपको शार्क फिन स्टाइल एंटीना नहीं नजर आएगा, सिंपल बिल्कुल सिंपल एक एंटीना मिलेगा। हाई स्टॉप माउंट लाइट ऊपर की तरफ मिलेगी। CNG का स्टिकर आपको ग्लास पे पीछे देखने के लिए मिल जाएगा, हालांकि ये बेस वेरियंट है CNG का, तो इसमें डिफोकर वाइपर वॉशर का ऑप्शन नजर नहीं आता है। यहाँ पर आपको ब्लैक सिंपल बिल्कुल एकदम व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में सुजुकी का लोगो नजर आएगा, और जो पीछे बूट गेट है वो आपको सिंपल एंड शोवर सा नजर आएगा। वहीं बात करें तो यहाँ पर आपको बेसिक हेलोजन लाइट के साथ में रियर लाइट्स का कॉम्बिनेशन नजर आता है, जो आपको लुक है वो XL6 में भी वैसे ही नजर आता है, बट जो रियल लाइट है वो थोड़ी सी डिफरेंट आपको नजर आएगी। नीचे अर्टिका की बैजिंग आपको मिल जाएगी, दो रिफ्लेक्टर आपको नीचे की तरफ नजर आएंगे बम्पर में। वहीं 4 eyes पार्किंग सेंसर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा आपको अर्टिका के प्रोफाइल के अंदर। तो दोस्तों, देख सकते हैं यह अर्टिका का रियर प्रोफाइल इस तरीके से आपको नजर आती है। वहीं बात करें तो दोस्तों, XL6 का रियर प्रोफाइल, तो XL6 रियर प्रोफाइल से काफी मस्कुलर भी है, और ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन स्टाइल एंटीना नजर आ जाता है। वहीं बात करें, ये इसका एक ही मॉडल CNG में आता है, तो यहाँ पर आपको टॉप एंड मॉडल मिड मॉडल बोल सकते हैं, तो इसमें आपको डिफोकर वाइपर वॉशर का ऑप्शन मिल जाता है, CNG का स्टिकर मिल जाता है। हालांकि जो रियर प्रोफाइल है जहां पर सुजुकी का लोगो दिया गया है, वहां पर इसका जो प्रोफाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर पियानो फिनिशिंग का इस्तेमाल किया गया है ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में। वहीं यहाँ पर नीचे की तरफ आपको XL6 की बैजिंग नजर आएगी, जो XL6 की बैजिंग है वो काफी क्रोम और काफी वाइल्ड आपको दिखेगी। वहीं दोस्तों, बात कर लेते हैं रियल लाइट्स के बारे में, तो रियल लाइट्स में दोनों में फर्क आपको मिलने वाला है, क्योंकि अर्टिका के अंदर सिर्फ आपको सिंपल हेलोजन लाइट्स मिलती है, यहाँ पर आपको LED कॉम्बिनेशन लाइट नजर आते हैं रियर प्रोफाइल में। तो देख सकते हैं ये काफी बड़ा बदलाव है, हालांकि दोनों की जो रियल लाइट्स है वो दोनों कॉमन ही नजर आती है, दोनों एक जैसी ही दिखती है। रिफ्लेक्टर की अगर बात करें तो रिफ्लेक्टर यहाँ पर थोड़े से ऊपर की तरफ आपको नजर आते हैं जाते हुए, नीचे एक्सटेंडर है वो ब्लैक कलर का
कॉम्बिनेशन, और जो एक्सटेंडर लगा हुआ है सिल्वर कलर का, वो आपको डिफरेंट सा नजर आएगा। बाकी फोर आइस पार्किंग सेंसर यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो रियर प्रोफाइल से दोस्तों देख सकते हैं अर्टिका और एक्सेल सिक्स आपको कैसी लगती है, कमेंट में दोनों में जरूर बताइएगा कि आपको एक्सेल सिक्स ज्यादा बेहतर नजर आ रही है या आपको अर्टिका ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। अब चलते हैं दोस्तों दोनों कार के साइड प्रोफाइल के साथ में। दोस्तों बात करते हैं अर्टिका के अंदर जो सीएनजी स्पेस है उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया गया, तो हम देखेंगे यहाँ पर अर्टिका का जो सिलेंडर है वो आपको इस तरीके से नजर आता है। जो रियर सीट है वो आपको 50-50 फोल्डेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पर एडजस्टेबल नजर आते हैं। तो यहाँ पर यानी कि इसको अगर मैं कवर करूँ तो कुछ इस तरीके से आपको कवर करने के बाद स्पेस नजर आता है। हालांकि जो स्पेस है वो एक्सेल सिक्स और अर्टिका का जो रियर सीएनजी स्पेस है वो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे आपको यूटिलाइज जो आपके स्पेयर पार्ट्स हैं उनको आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, रख सकते हैं। पीछे वाली सीट आपको रिक्लाइन और फोल्डेबल दोनों ऑप्शन के साथ नजर आती है। अब बात करते हैं एक्सेल सिक्स में क्या खास है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर ये एक्सेल सिक्स का रियर का प्रोफाइल है सीएनजी का, जो सिलेंडर है वो सेम तरीके से यूटिलाइज किया गया है। किसी भी तरीके का कोई बदलाव या कोई खास कॉस्मेटिक चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलते। जो फैब्रिक टोन है सिर्फ वही चेंज आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का फैब्रिक देखने के लिए मिल जाता है, हालांकि ये फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नजर आता है एज कम्पेयर टू अर्टिका के मुकाबले। बाकी यूटिलिटी स्पेस स्पेयर पार्ट्स वैसे ही नजर आपको रखने के लिए जगह दे दी गई है। इसके अलावा जो सीट है रिक्लाइन और फोल्डेबल वो दोनों ऑप्शन आपको दोनों कार के अंदर सेम ही नजर आते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों कार के साइड प्रोफाइल के साथ में। तो दोनों कार के साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आपको नजर आते हैं। एक्सेल सिक्स ज़्यादा मस्कुलर नजर आती है साइड प्रोफाइल से, बिकॉज यहाँ पे कुछ ज़्यादा कॉस्मेटिक चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं आपको एक्सेल सिक्स के अंदर। वहीं अर्टिका आपको बिल्कुल सिंपल और शोवर नजर आती है बिल्कुल बेसिक स्टाइल के साथ में। तो देख सकते हैं यह है अर्टिका का बेसिक स्टाइल आप देखेंगे, और यह है टफ स्टाइल एकदम एक्सेल सिक्स का। अब बात करें तो दोस्तों साइड प्रोफाइल में क्या खास है, तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सेल सिक्स के साइड प्रोफाइल के साथ में। तो यहाँ पर व्हील आर्च क्लाइडिंग आपको नजर आती है, अलॉय व्हील नहीं मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक ही मॉडल मिलता है। तो हालांकि अर्टिका के ZXI मॉडल में आपको अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाता है। टायर की डायमेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पर 16 इंच के टायर साइज आपको मिलते हैं जो ट्यूबलेस ऑप्शन के साथ अवेलेबल होता है। इसके अलावा फेंडर पे ही आप यहाँ पर ब्लैक कलर का एक ऑर्नामेंट देखेंगे जो कार की लुक को और भी डिसेंट और भी मस्कुलर बनाता है साइड प्रोफाइल से। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर आउटसाइड मिरर की, तो आउटसाइड मिरर दोनों कार के अंदर कॉमन ही इस्तेमाल किए गए हैं जो LED इंडिकेटर ऑप्शन के साथ नजर आते हैं। साथ में यहाँ पर आपको इसको एडजस्ट और फोल्ड करने का दोनों का ही ऑप्शन नजर आ जाता है। इसके अलावा नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर व्हील आर्च क्लाइडिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। व्हील आर्च क्लाइडिंग के बाद यहाँ पर साइड में जो आपकी फ्रंट एक्सटेंडर है या साइड एक्सटेंडर आप इसको बोल सकते हैं, साइड बेडिंग बोल सकते हैं, वो भी आपको ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में नजर आती है। हालांकि जो एक्सटेंडर है वो आपको सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में नजर आएंगे एक्सेल सिक्स के अंदर। रिक्वेस्ट सेंसर बटन आपको इसमें मिल जाता है क्योंकि ये इसका ZXI वेरियंट के इक्विवेलेंट वाला मॉडल है। ए पिलर बी पिलर सी पिलर की अगर बात करें तो यहाँ पर ए पिलर सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन में नजर आता है, बी पिलर और सी पिलर आपको ब्लैक टेप आउट कॉम्बिनेशन में नजर आते हैं। वहीं बात कर लेते हैं ऊपर की तरफ रूफ रिल्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है एक्सेल सिक्स के अंदर, हालांकि अर्टिका में वो ऑप्शन आपको मिलता ही नहीं है। जो रियर ग्लास है वो आपको कॉमन ही नजर आएगा दोनों कार के अंदर। व्हील आर्च क्लाइडिंग रियर प्रोफाइल में भी आपको नजर आती है, तो आप देखेंगे ये है व्हील आर्च क्लाइडिंग रियर प्रोफाइल की। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं अर्टिका के बारे में, तो अर्टिका में आपको कुछ इस तरीके से नजर आती हैं चीज़ें। फ्रंट फेंडर बिल्कुल सिंपल रखा गया है, किसी भी तरीके का कोई कॉस्मेटिक या ऑर्नामेंट या व्हील आर्च क्लाइडिंग यहाँ पर आपको नजर नहीं आती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके टायर साइज़ की, तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 15 इंची के टायर साइज़ जो ऑप्शन में नजर आते हैं R15 के साथ में। हालांकि यहाँ रिम का ही ऑप्शन अवेलेबल होता है इस मॉडल के अंदर, इसके ऊपर वाले मॉडल में आपको अलॉय व्हील का ऑप्शन भी मिल जाता है। आउटसाइड मिरर आपको कॉमन ही नजर आएगा, साथ में बात करें तो सिंपल सा आउटसाइड मिरर लगेगा। और सब बात कर लेते हैं रिक्वेस्ट सेंसर बटन यहाँ पर गायब मिलेगा आपको इसके दरवाजे पे। बाकी ए पिलर बी पिलर की अगर बात कर लें तो सेम ही आपको नजर आएंगे ए पिलर बी पिलर सी पिलर। ए पिलर सेम कलर में मिलेगा ब्लैकआउट, बी पिलर सी पिलर भी ब्लैक टेप आउट कॉम्बिनेशन में नजर आता है। हालांकि साइड में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस आपको यहाँ पे देखने के लिए नजर नहीं आते हैं। तो सिंपल सी आपकी नजर आती है अर्टिका, ये अर्टिका का साइड प्रोफाइल, वहीं ये है एक्सेल सिक्स का साइड प्रोफाइल। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पैसेंजर केबिन के बारे में, तो पैसेंजर केबिन में अर्टिका में कुछ खास आपको नजर आता है। जो इसका ग्लास है वाइल्ड ग्लास रखा गया है, इसके अलावा जो विंडो है वो काफ़ी बड़ी रखी गई है यहाँ पर आप देखेंगे, और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा रिच और प्रीमियम आपको नजर आता है एज कम्पेयर टू एक्सेल सिक्स के मुकाबले। यहाँ पर आपको प्लास्टिक ट्रिम आउट देखने के लिए मिल जाता है, क्रोम का डोर हैंडल, पावर विंडो का बटन, नीचे बोतल होल्डर, पेपर होल्डर और स्पीकर का स्पेस आपको यहाँ नजर आ जाता है। वहीं दोस्तों बात कर ले तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज आपको मिल जाता है क्योंकि ये है 7 सीटर कार, 2 सीट आपको पीछे की तरफ मिलती है, 3 लोगों के बैठने की कैपेसिटी आपको यहां पर अवेलेबल हो जाती है, और हेडरेस्ट यहां पर भी आपको हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल मिलता है। बाकी एसी वेंट आपको पीछे की तरफ यहां नजर आ जाता है, एसी वेंट आपको कॉमन ही रहेगा, वो उसमें भी आपको मिलेगा।
ये सीट आपको दोस्तों मिलती है 60-40 फोल्डेबल, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको फोल्ड और एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो उधर वाली सीट है उसको आप 60 के हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं, 40 के हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं, और ये सीट आपकी 60-40 के फोल्ड के हिसाब से होती है। बाकी यहाँ पर आप जो फैब्रिक देखेंगे वो सिंपल फैब्रिक ब्राउन कलर के साथ में नजर आता है, सिंपल सा मिल जाता है। आर्मरेस्ट विदाउट का फोल्डर वगैरह के यहाँ पर आपको नजर आ जाता है। लेग रूम वगैरह की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा लेग रूम आपको मिल जाता है, जो फ्लेक्सिबल है, सीट को आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं, जिसके हिसाब से आप पीछे वालों को भी सहूलियत के हिसाब से आरामदायक बना सकते हैं। वहीं यहाँ पर आपको एक मोबाइल चार्जिंग का सॉकेट नज़र आ जाता है जो 12 वोल्ट को सपोर्ट करता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो रियर सीट्स है, ड्राइवर सीट है, उसमें भी हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक्सेल 6 के जो पैसेंजर कंपार्टमेंट है उसके बारे में। हालांकि जो दरवाजे का साइज़ है वो बिल्कुल आपको कॉमन ही नज़र आता है, एक्सेल 6 और अर्टिगा के रियर दरवाजे में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं मिलता है, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको ब्लैक ट्रिम ट्रिम आउट मिल जाता है देखने के लिए, जो आपकी विंडो है उसका जो ट्रिम आउट है वो ब्लैक रखा गया है। हालांकि यहाँ पर आपको प्लास्टिक ट्रिम आउट नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको लेदराइट ट्रिम आउट देखने के लिए मिलता है। डोर हैंडल आपको क्रोम जैसा उसमें दिया वैसा ही नजर आता है। नीचे की तरफ बोतल होल्डर, पेपर होल्डर और स्पीकर का स्पेस आपको नजर आता है। सबसे अच्छी खास बात दोस्तों बताता हूँ, यहाँ पर आपको दो ही पैसेंजर के बैठने की जगह है, यानी कि टोटल यहाँ पे 6 लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग पीछे बैठ सकते हैं और 2 लोग बीच में बैठ सकते हैं। बट 2 लोगों के बैठने की जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी, आप आराम से यहाँ से निकल सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, और फैब्रिक की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा फैब्रिक क्वालिटी यहाँ पर प्रीमियम रखी गई है, जो थाई सपोर्ट है उसको भी थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो फैब्रिक है वो आपको मिलेगा यहाँ पर लेदराइट के साथ में यहाँ फैब्रिक का इस्तेमाल मिलेगा, और ये स्ट्रिप जो है आपकी ये भी आपको लेदर के साथ में मिलेगी। हालांकि लेग रूम वगैरह बिल्कुल कॉमन ही है, किसी तरीके का कोई बदलाव आपको लेग रूम वगैरह में नहीं नजर आएगा। नीचे आपको छोटा मोटा यूटिलिटी स्पेस, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, मोबाइल रखने के लिए जगह मिल जाती है, यहाँ पे 2 लोग ही बैठ सकते हैं, अर्टिगा में आपके 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। 3 लोग आराम से तो नहीं बैठ सकते क्योंकि बीच वाला जो पैसेंजर है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसके पीठ में जो है आपकी जो आर्मरेस्ट दिया है उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बाकी सेम एसी वेंट आपको मिल जाता है, केबिन के अंदर एक वही लाइट मिल जाती है, हालांकि जो कलर कॉम्बिनेशन है उसको थोड़ा सा बदला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेइश रखा गया है, वहाँ पर ब्राउनिश रखा गया है। चलिए दोस्तों एक्सेल 6 के कंपार्टमेंट के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी विंडो के बारे में, जिसमें आपको मार्वल ओर्नामेंट देखने के लिए मिलेंगे, जो कार की ड्राइवर केबिन को और भी रिच बनाते हैं। वहीं सिल्वर एक्सेंट की फिनिशिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी मार्वल का, अलावा यहाँ पर आपको लेदराइट कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा जो ब्लैक कलर के साथ ही आएगा। क्रोम का डोर हैंडल यहाँ मिल जाएगा, साथ में आपको पावर विंडो के बटन, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल बटन यहाँ मिल जाएंगे, नीचे बोतल होल्डर और पेपर होल्डर, स्पीकर का स्पेक, साथ में यहाँ पे आउटसाइड मिरर के साथ में ट्विटर का ऑप्शन आपको नजर आएगा। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं केबिन की इन्वायरमेंट की, तो यहाँ पर ब्लैक कलर का आपको इन्वायरमेंट नजर आएगा, जो आप देखेंगे यहाँ पर जो थीम है वो ब्लैक रखी गई है, साथ में रिक्वेस्ट सेंसर के अलावा यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, मार्वल ओर्नामेंट, सिल्वर एक्सेंट की फिनिशिंग, एसी वेंट सिंपल रखे गए हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो सीएनजी के लेवल चेंज करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पर आप पेट्रोल से सीएनजी, सीएनजी से पेट्रोल कभी भी कर सकते हैं। हिल होल्ड का बटन मिल जाएगा, छोटा मोटा यूटिलिटी स्पेस आपको यहाँ पर भी नजर आएगा। स्टीयरिंग की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर टिल्ट स्टीयरिंग का ऑप्शन आपको नजर आता है, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी सीएनजी वेरिएंट के साथ देखने के लिए मिल जाता है। साथ में फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको नजर आता है, साथ में म्यूजिक स्टीरियो के कंट्रोल यहाँ देख सकते हैं, नीचे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या वॉइस कमांड देख सकते हैं। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको दोनों में कॉमन ही मिलते हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर डिजिटल एनालॉग दोनों ऑप्शन नजर आते हैं, और जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं उसमें दरवाजे अगर खुले हैं या बूट खुला है तो वो इंडिकेशन भी आपको यहाँ पे नजर आता है। सबसे अच्छी खास बात दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलता है एक आर्मरेस्ट स्लाइडिंग के साथ में, जो केबिन कंपार्टमेंट है उसमें आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है देखने के लिए, जिसपे छोटा मोटा यूटिलिटी स्पेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका यूटिलिटी स्पेस है उसको छोटा मोटा यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। गियर नॉब की पोजीशन की अगर बात करें तो वैसी ही गियर नॉब पोजीशन है, बट जो सिल्वर एक्सेंट की फिनिशिंग है वो काफ़ी बढ़िया आपको नजर आती है। नीचे की तरफ 2 कप होल्डर जो एसी वेंट को सपोर्ट करते हैं, कूलिंग कैपेसिटी को, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, ऑटोमेटिक एसी का कंट्रोल मिल जाएगा, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको मिल जाता है जो आपको डिजिटल एनालॉग दोनों ऑप्शन के साथ नजर आता है, सॉरी माफी चाहूंगा दोस्तों, म्यूजिक स्टूडियो, स्मार्ट प्ले स्टूडियो के साथ आपको नजर आता है, जिसमें आपको आईफोन कनेक्टिविटी, एप्पल कार प्ले, ऑटो एंड्रॉइड वर्जन जैसे एडवांस फीचर मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों इसमें आपको सुजुकी कनेक्ट का एडवांस फीचर भी मिल जाता है एक्सेल 6 के अंदर, हालांकि जो अर्टिगा का ZX ही वेरिएंट आता है उसके अंदर भी आपको सुजुकी कनेक्ट का फीचर मिल जाता है। बाकी ऑर्नामेंट की अगर बात करें तो काफ़ी डिसेंट से ऑर्नामेंट आपको यहाँ नजर आते हैं डैशबोर्ड में, जो गाड़ी के लुक को और भी बेहतर और भी प्रीमियम बनाता है। बाकी इसके अलावा एक सनग्लास होल्डर आपको ऊपर की तरफ नजर आता है, एक वैनिटी मिरर जिसपे ग्लास का ऑप्शन दिया है, वहीं केबिन के अंदर यहाँ पर भी एक लाइट, साथ में टिकट होल्डर मिल जाता है देखने के लिए। तो दोस्तों ये है एक्सेल 6 का इंजन कंपार्टमेंट,
सॉरी पैसेंजर कंपार्टमेंट के बाद ड्राइवर कंपार्टमेंट जो काफ़ी बेहतरीन आपको नजर आता है ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के साथ में, और ये आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं अर्टिगा के कंपार्टमेंट के बारे में। यहाँ दोस्तों बात कर लेते हैं कंपार्टमेंट के बारे में, ड्राइवर साइड में तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन देखने के लिए, हालांकि ग्रेश कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे नजर आता है। प्लास्टिक ट्रिम आउट आपको यहाँ मिलते हैं देखने के लिए, तो प्लास्टिक ट्रिम आउट यहाँ मिल जाता है आपको। यहाँ पे पावर विंडो के बटन, क्रोम का डोर हैंडल, रिक्वेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिरर, नीचे स्पीकर का स्पेस मिल जाता है, बोतल होल्डर मिल जाता है, आप देखेंगे यहाँ पर आपको बोतल होल्डर और स्पीकर का स्पेस मिल जाता है। साथ में दोस्तों बात करें यहाँ पर इन्वायरमेंट की, तो यहाँ पर जो केबिन का इन्वायरमेंट है वो रखा गया है ब्लैक एंड बेज एंड ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो इन्वायरमेंट है वो आपको बेज कलर और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में नजर आता है। स्टीयरिंग की क्वालिटी की अगर बात करें तो सेम ही स्टीयरिंग यहां पर आपको मिलता है फ्लैट बॉटम ऑप्शन के साथ में, हालांकि यहां पर आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है अर्टिगा के इस वाले वेरिएंट के अंदर, और आपको सेम वैसे ही बटन मिल जाते हैं सीएनजी चेंज करने के लिए, हिल होल्ड फंक्शन को ऑन ऑफ करने के लिए, छोटा मोटा यूटिलिटी स्पेस आप देख सकते हैं, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले आपको कॉमन ही दोनों कार में नजर आता है। हालांकि यहां पे चाबी आपको बिल्कुल बेसिक ही नजर आएगी। बात करते हैं इसके अलावा यहाँ पर कंपार्टमेंट के अलावा गाड़ी के फैब्रिक ट्रिम आउट की, तो यहाँ पे फैब्रिक ट्रिम आउट मिलता है काफ़ी बेहतरीन ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन में, जो एक्सेल 6 की सीट है उसे थोड़ी सी कमजोर नजर आती है क्योंकि वहाँ पे जो ये वाला फिनिशिंग है वो लेदराइट कॉम्बिनेशन में आपको नजर आता है, यहाँ पर नजर आता है उसमें भी फैब्रिक। बाकी दोनों ही हेडरेस्ट आपको मिलते हैं हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल, जिनको आप हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आर्मरेस्ट की कमी इस वाले वेरिएंट में आपको खलती है, बाकी अर्टिगा के इसके ऊपर वाले वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। सेम गियर नॉब मिलती है, हालांकि कलर कॉम्बिनेशन टोन चेंज होता है, तो इस टॉपिक पे बहुत लंबा बात तो नहीं करेंगे क्योंकि इन्वायरमेंट दोनों कार का आपको ड्राइवर और को ड्राइवर में सिर्फ कलर का कॉम्बिनेशन ही मैटर करता है, क्योंकि वहां पर ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन नजर आता है, यहाँ डुअल टोन ब्राउन एंड बेज कलर का कॉम्बिनेशन आपको नजर आता है। बाकी इस वाले वेरिएंट में यहाँ पर मैनुअल एसी बटन्स मिलते हैं और नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, दो का फोल्डर मिल जाता है जो कूलिंग कैपेसिटी के साथ आपको नजर आता है। तो दोस्तों एक्सेल 6 और अर्टिगा के इंटीरियर ड्राइवर इंटीरियर से आपको कौन सा बेहतर लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दोनों कार के इंजन के बारे में। दोनों कार के अंदर आपको 1.5 सीसी का इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस जो मैं बात करूं अगर सीएनजी के साथ में तो पेट्रोल में लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज क्लेम करता है, और अगर बात करें सीएनजी पे तो 27 किलोमीटर पर किलोग्राम का एवरेज क्लेम करता है। इसके अलावा दोस्तों दोनों कार के अंदर सेफ्टी फीचर्स की अगर बात की जाए, दोनों कार में ही आपको डुअल एयरबैग, एबीएस, सीबीडी, पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम एंड हिल होल्ड जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको प्रीलोडेड अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अर्टिगा और एक्सेल 6 में जो फ्रंट में आप चीज़ें देख रहे हैं या इंटीरियर देख रहे हैं वो लगभग चेंज नजर आते हैं। बाकी इंजन की अगर बात करें तो दोनों कार का इंजन बिल्कुल कॉमन ही इस्तेमाल किया गया है, दोनों के इंजन में पावर में भी कोई चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आप तो दोस्तों देख सकते हैं ये है फ्रंट प्रोफाइल। ये वीडियो आपको पूरा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी सारे शोरूम पे जाकर विजिट करना पड़ता है। बहुत रेयर ही शोरूम होते हैं जो इतना सपोर्ट करते हैं कि दो कार का कॉम्बिनेशन कंपेरिजन हम बना सकें। बाकी दोस्तों आप अपना कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, थोड़ा सा कमेंट्स आपका हमारे लिए बहुत सपोर्ट करता है, आपका अप्रिशिएशन हमें शब्दों में ही मिल पाता है क्योंकि हम आपको जान नहीं पाते कि आप वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मिलते रहेंगे अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि ये सब आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ही बने और आपने इन सब के लिए पैसे भी खर्च किए हैं। और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।